Hey guys, welcome or welcome back to another brand new episode and मैं कुछ दिवाली के प्रेप करने वाली हूँ. Like अभी 3 दिन बाकी है दिवाली के लिए and I am trying to make some DIY candles. तो जो कैंडल मेकिंग का प्रोसेस है ना वो मुझे बहुत मतलब थोड़ा इजी ही लग रहा है. आई हैव जस्ट मेल्टेड दी वाइट नॉर्मल कैंडल्स एंड उसमें थोड़ा फ्रेगनेंस या क्रेयॉन कलर्स ऐड करती जा रही हूँ. बट ये ना थोड़ा फेल हो गया बिकॉज माइक्रोवेव में वो मेरा जो बोल था वही क्रैक हो गया. सो हियर आई हैव शिफ्टेड टू लाइक नॉर्मल गैस में करना एंड आई थिंक दिस इज फार ईजी. सो मैं यही वाले मेथड फॉलो कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा फन लग रहा है ये प्रोसेस. एंड यू कैन सी मेरे कैंडल्स बन के रेडी हो गए हैं. दे आर सो टीनी एंड सो क्यूट. आप कोई भी कलर में और कोई भी फ्रेगनेंस में इसको बना सकते हो. दिस आर रियली फन DIY. बट सिंस मेरा फर्स्ट टाइम है मैं तो एकदम सिंपल कुछ शेप्स में कर रही हूँ. आप कोई भी सिलिकॉन के लाइक कंटेनर्स यूज कर सकते हो. The next day. Actually, मैं ना कुछ अपने दिवाली गिफ्ट्स पैक कर रही थी सो आई थॉट क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए. इफ यू फॉलो माई रील्स एंड शॉर्ट्स आई एम श्योर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे. सो दिस आर सम स्नैकेबल हेल्दी स्नैक्स. ये एकदम प्रॉपर आपको इंडियन स्नैक्स के ही टेस्ट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस आर दिस बेक्ड मटरी. और नॉर्मल स्नैक्स के लिए भी यू हैव दिस रगी चिप्स, देन यू हैव योर गार्लिक ब्रेड. लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा हेल्दी है एंड दे आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. लाइक दिस पैक कॉस्ट ₹50 ओनली. कैन यू इमेजिन ऑलमोस्ट सभी के ऐसे ही रेंज है 50, 60, 70. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट. One eternity later. And finally lights लग चुके हैं. Like सुबह ही लग गए थे. अभी सारे lights एकदम जला दिए गए हैं and that's why it's called the festival of lights. Just see कितने pretty लग रहे हैं. चारों तरफ सबके घरों पे एकदम beautiful से lights लग गए हैं and बहुत सुंदर लग रहा है. The next day. हेलो. सो इट्स दी डे बिफोर दिवाली. लाइक डे बिफोर छोटी दिवाली एक्चुअली बिकॉज टुडे इज धनतेरस. एंड मैंने सोचा क्यों ना कुछ बनाया जाए लाइक सम इंडियन स्वीट्स. बट ये एकदम ही इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन है. सो लेट्स सी क्या टर्न आउट होता है. You might have already understood by this sound कि इसमें ना बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है लाइक ताकि कोई भी लम्स फॉर्मेशन ना हो. सो मैंने ट्राई किया कुछ काजू कतली बनाने का. आप इसका लाइक बादाम का हलवा भी बना सकते हो. लाइक दिस इज ऑलरेडी बादाम का हलवा. नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ फ्रीजिंग इट एंड कटिंग इनटू क्यूब सो दैट काजू कतली बन जाए. सो या पहले यहाँ पे मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ तो कि थोड़ा ठंडा हो जाए. देन आई विल लेट इट इन द फ्रीजर फॉर गुड 3 to 4 hours. ओके. सो एक सेकेंड बिफोर लाइक फ्रीजिंग इट मैं इसको थोड़ा कट्स कर रही हूँ सो दैट बिफोर कि ये एकदम सेट हो जाए ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा कट्स हो सो दैट ब्रेक करने में आसानी हो. जब तक वो सेट होते हैं मुझे ना एक्चुअली फ्रीज में कुछ मूंग दाल दिख गया. सो आई थॉट क्यों ना जब तक काजू कतली सेट होता है लेट्स मेक सम मूंग दाल का हलवा. एंड मैं ना ये सब का रेसिपी शेयर नहीं कर रही अलग से बिकॉज ये नॉर्मल मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाया है. सो यू कैन फॉलो एनी यूट्यूब रेसिपीज. एंड यहाँ पे लेट मी शेयर अ टिप. जब आप ये लाइक सिरप बना रहे हो ना सो बी वेरी केयरफुल क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा ना लाइक शुगर अगर एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत टफ और बहुत ज़्यादा टाइट एकदम सॉलिड हो जाता है हलवा खाया नहीं जाता. सो बी केयरफुल.
One eternity later. Here's our final dish, जो कि मेरा personally बहुत ज़्यादा favorite है. It's a simple fruit custard. 2,000 years later. तो एज यू सो हम लोग ना अभी लाइक शाम को निकल रहे थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, स्पेशली बिकॉज इट्स धनतेरस. सो भगवान के लिए भी कुछ छोटा सा कुछ लाए हैं. एंड वहाँ पे आई कुडंट शॉप बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था एज यू सो. द नेक्स्ट डे हेलो गुड मॉर्निंग. सो इट्स छोटी दिवाली एंड आई थॉट लाइक अभी उठी हूँ, क्यों ना फ्रेश होके सबसे पहले रंगोली बना लिया जाए. Here's our first रंगोली ऑफ द डे. मैं एकदम कैंडल वैंडल लगा के एकदम सेट करके ट्राई कर रही हूँ कि कैसा दिख रहा है. एंड दिस इज द अदर वन दैट आई मेड. सो या यू कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा. देन आई ऑल्सो मेड दिस फ्लोरल फ्लोटिंग कैंडल्स वाला एक प्रिटी सा कॉर्नर. एंड यह बाकी कैंडल्स लाइटिंग एंड ऑल कुछ देर बात करेंगे. इट्स ऑलरेडी 4 एंड मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है, सो पहले जाके खाते हैं. एंड हियर कम्स वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स, दैट इज खाना. एंड बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना विद स्वीट्स एंड एवरीथिंग. वन इटर्निटी लेटर. So here I am all ready for Diwali Eve. So I thought Shuna, like मैं कुछ reels वगैरह Insta के लिए बनाई रही थी. So I thought आपको भी मेरा outfit दिखा दिया जाए. So here it is, this very simple and plain white anarkali with this heavy dupatta. Finally, after taking thousands of pictures and video clips, here I am like lighting up all the candles and the diyas. रंगोलीज में भी सारे जो लाइक कैंडल्स है उनको भी लाइट अप करना है. रंगोली में स्पेशली जो कैंडल्स है ना, बहुत सारे लाइक मेरी DIY कैंडल्स है विच आई मेड 3 days बैक. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. लाइक सी सब कुछ जब लाइट अप हो जाता है सो कितना सुंदर दिखता है. आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड. Let's now see the final look. Now we are on the terrace and कुछ पटाखे फोड़ेंगे. But yeah, this is no way I am trying to influence anyone. Be safe and try to like burst the green crackers and जितना कम हो सके उतना ही it's good for all of us. একটু শিখিয়ে দে তো রাজদাদাকে. চলে 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 সবাই লাগছে চলে. Days later.
दिस इज वेनसडे एंड छोटू सा भाई दूज सेलिब्रेशन. वी कॉल इट भाई फोटा इन बंगाली. यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपके लैंग्वेज में या लाइक स्टेट में इसे क्या कहते हैं. And yeah, with that, we come to an end of this video. If you liked it, please don't forget to like, share and subscribe the channel if you haven't done yet. Also, comment down below your favorite festival and I hope you had a great and amazing Diwali. And yeah, bye-bye. Take care of yourselves and see you soon.